हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनेस। दिस इज अजय शर्मा। आज हम लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड एक सेट डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रीवियसली कैट 2018 में स्लॉट 1 में पूछा गया था। द मल्टी लेयर्ड पाई चार्ट बिलो शोज द सेल्स ऑफ एलईडी टेलीविजन सेट्स फॉर अ बिग रिटेल इलेक्ट्रॉनिक्स आउटलेट ड्यूरिंग 2016 एंड 2017। द आउटर लेयर शोज द मंथली सेल्स ड्यूरिंग दिस पीरियड विद ईच लेबल शोइंग द मंथ फॉलोड बाय सेल्स फिगर्स ऑफ दैट। For some months, the sales figures are not given in the chart. The middle layer shows quarter-wise aggregate sales figures. In some cases, aggregate quarter-wise sales numbers are not given next to the quarter. The innermost layer shows annual sales. It is known that the sales figures during the 3 months of the second quarter, April, May, June of 2016, form an arithmetic progression, as do the 3 monthly sales figures in the fourth quarter, October, November, December of that year. हमारे पास में डायग्राम गिवन है, वैल्यूज हमारे सामने हैं, चार क्वेश्चंस इस सेट पर बेस्ड हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और बाद में आप इसका सॉल्यूशन देखें। इस सेट को सॉल्व करने के लिए अप्रोक्सीमेटली आपके पास 6 मिनट्स का टाइम होगा। ये एक ईजी लेवल का सेट है। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले जो मिसिंग वैल्यूज हैं, अगर हम उन्हें लिख सकें तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें काफी मदद हो जाएगी। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि सेकेंड क्वार्टर अगर हम बात करें अप्रैल, मई और जून की ऑफ 2016 की, तो जो सेल्स फिगर्स हैं दे फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जब तीन टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होती हैं और उनका सम हमें गिवन हो तो मिडिल टर्म निकालना बड़ा आसान होता है। उस सम को आप 3 से डिवाइड करते हैं। क्वार्टर टू में सम गिवन है 150, इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो मई की हमारी वैल्यू आ जाएगी 50 एंड देयरफॉर जून की वैल्यू हो जाएगी 60। ये तीनों वैल्यूज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। सेम चीज हमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ऑफ 2016 में भी ऑब्जर्व हो रही है। ये वैल्यू 360 है तो मिडिल वैल्यूज का 1/3 यानी 120 होगी, तो दिसंबर की वैल्यू हो जाएगी 140। 2016 के मंथ वाइज सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है। हम एक काम करते हैं, क्वार्टर के सामने जो सेल्स फिगर है वो भी एक बार लिखते हैं। 80, 60, 140 एंड 100, ये वैल्यू हो गई है 240। व्हाट अबाउट क्वार्टर थ्री? 75, 55, ये हो गया है 130 और 120, 250। व्हाट अबाउट क्वार्टर फोर? ये वैल्यू हमारे सामने गिवन है। क्या 2016 का सम करने की जरूरत है? ऐसा नहीं है, पर अगर आप करना चाहें तो 360, 240, 600 और ये 400, ये मिलके हो गया है 1000। 2017 की बात करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों वैल्यूज हमारे सामने हैं। इनका सम करने पर ये वैल्यू आ जाएगी 380। अप्रैल, मई, जून, ये अगेन तीनों वैल्यूज हमारे पास में है, ये सम हो गया 140 एंड 60 करने पर 200। क्वार्टर थ्री, ये वैल्यू 220 है, 60 और 70 130, तो अगस्त की वैल्यू हो गई 90। क्वार्टर फोर 500 है, 150, 170, ये हो गया 320, तो दिसंबर की वैल्यू 180। इनको अगर हम ऐड करें 380, 220, 600 और ये 700, तो ये वैल्यू हो गई है 1300। एक बार हमने मिसिंग फिगर्स लिख दिया, अब क्वेश्चंस को डील करने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स इन दिसंबर 2017 एज कंपेयर टू द सेल्स इन दिसंबर 2016। परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला होता है इंक्रीज अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। दिसंबर 2017 और दिसंबर 2016, इनका कंपेरिजन हमें करना है। दिसंबर 2017 में वैल्यू आ रही है 180, दिसंबर 2016 में वैल्यू आ रही है 140, यहां इंक्रीज हुआ है 40 का, प्रीवियस वैल्यू 140 और इनटू 100। हमें पता करना है ये वैल्यू कितना परसेंट है। नाउ ये दोनों ही नंबर्स 20 से डिविजिबल है, सो वी विल गेट 2/7। 1/7 करने पर अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर आता है 14.28%, तो 2/7 करने पर 28.56% के आसपास आंसर आना चाहिए, सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। फ्रैक्शन टू परसेंटेज अगर आपको याद रहते हैं तो कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच क्वार्टर ऑफ 2017 वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स फ्रॉम द सेम क्वार्टर ऑफ 2016 द हाईएस्ट। कंपैरिजन करना है हमें क्वार्टर वन ऑफ 2016 का क्वार्टर वन ऑफ 2017 से एंड सो ऑन। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेकेंड क्वार्टर की। सेकेंड क्वार्टर अगर हम बात करते हैं 2017 की, तो ये वैल्यू है 200 और 2016 की ये वैल्यू है 150, तो यहां पर इंक्रीमेंट हुआ है 50 का,
प्रीवियस वैल्यू 150 इनटू 100. इनटू 100 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब जगह हमें इनटू 100 करना है. क्वार्टर फोर ये वैल्यू है 500 और यहां पर ये वैल्यू है 360, तो इंक्रीमेंट हुआ है 140 का अपॉन 360. क्वार्टर वन की बात करते हैं, क्वार्टर वन में ये वैल्यू है 380 और ये वैल्यू है 240, यहां इंक्रीमेंट हुआ है 140 का अपॉन 240. एंड फाइनली क्वार्टर थ्री, क्वार्टर थ्री की अगर हम वैल्यू देखते हैं तो ये है 220 और यहां पर ये वैल्यू है 250, ये इनफैक्ट रिड्यूस हो गया है, तो इस वैल्यू को तो कंसिडर करने की हमें जरूरत ही नहीं है. इन दोनों वैल्यूज में भी हम इसे रिजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि दोनों का न्यूमरेटर सेम है, ये डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये वैल्यू कम होगी. इन दोनों की अगर हम बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 1/3 यानी कि 33% के आसपास आंसर आएगा, जबकि ये वैल्यू 240 का अगर हम 50% ले तो वो 120 होता है, ये वैल्यू तो 50% से भी ज्यादा है. तो डेफिनेटली हमारा आंसर ये होना चाहिए, दैट मीन्स Q1 क्वार्टर वन में जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है सेल्स में एज कंपेयर टू 2016 फिगर क्वार्टर वन की, वो हाईएस्ट है. थर्ड ऑप्शन इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच क्वार्टर वॉज द परसेंटेज डिक्रीज इन सेल्स. अब हमें परसेंटेज डिक्रीज निकालना है फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर सेल्स द हाईएस्ट. परसेंटेज डिक्रीज कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर और वो भी हाईएस्ट वैल्यू ढूंढनी है. पहले बात करते हैं क्वार्टर फोर ऑफ 2017. क्वार्टर फोर ऑफ 2017 ये वैल्यू 500 है, इसके पहले वाला क्वार्टर है 220, यहां पर वैल्यू आ रही है, यहां पर तो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, इसे कंसिडर करने की जरूरत नहीं है. क्वार्टर वन ऑफ 2017, क्वार्टर वन में ये वैल्यू 380 है, इसके पहले वाले क्वार्टर में वैल्यू 360 है, यहां भी परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, इस वैल्यू को भी कंसिडर नहीं करना है. क्वार्टर टू ऑफ 2017, सेकेंड क्वार्टर में वैल्यू है 200, इसके प्रीवियस क्वार्टर में वैल्यू थी 380, यहां से यहां आने पर देर इज अ रिडक्शन ऑफ 180 अपॉन प्रीवियस वैल्यू है 380 इनटू 100. ओके, और इस क्वार्टर की बात करें सेकंड क्वार्टर ऑफ 2016, सेकंड क्वार्टर ऑफ 2016 ये वैल्यू 150 है और उसके पहले वाले क्वार्टर की वैल्यू 240 थी, तो यहां रिडक्शन हो गया है 90 का अपॉन 240. हमें पता करना है कौन सी वैल्यू हायर है. यहां भी आपको अप्रोक्सीमेशन करना आना चाहिए, 10% होता है 24, तो 40% होगा 96, क्योंकि ये 90 है, ये वैल्यू लेस देन 40% है. 10% होगा 38, 40% जो होगा वो होगा 152, ये वैल्यू 40% से बड़ी है, तो डेफिनेटली हमारा आंसर ये नहीं होगा, ये होगा थर्ड ऑप्शन को हम अपना आंसर मार्क कर देंगे. मिनिमम कैलकुलेशन के साथ आप आंसर निकाल सकते हैं. इस सेट पर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. ड्यूरिंग विच मंथ वॉज द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स From the previous month sales the highest. Again percentage increase हुआ है sales में compared to previous month. March of 2016 का जो March है उसकी value है 100, इसके previous month की value थी 60, increment हुआ है 40 upon 60. तो ये हमारी first value थी. Okay, second देखते हैं October of 2016, 100 ये value है, इसके previous month में 55 था, तो यहाँ पर increase हुआ है 45 का over 55. October of 2017 ये 150 है, previous month में 70 था, तो increase हो गया है 80 का upon previous value that is 70. और March of 2017 ये value है 160, previous month में 100 था, तो increase हुआ है 60 का upon 100. तीनों values को हम immediately reject कर देंगे और इसे answer mark कर देंगे, because ये अकेली value ऐसी है जो 100% से ज्यादा आ रही है, बाकी सारी वैल्यूज कम है. थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा.